बांदा में महिला इसलिए पानी की टंकी पर चढ़ गई क्योंकि एक युवक उसे बेहद परेशान करता था। पुलिस भी नहीं कर रही थी मदद। कमासिन कस्बे का मामला, आरोप है कि व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़ गई। बाद में पुलिस ने महिला को आश्वासन देकर नीचे उतारा। आगरा में एडीए ने 16 जून को थाना नाई की मंडी स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से अतिक्रमण हटाया था। इस दौरान एडीए के अधिकारी मूर्ति भी ले गए थे। अब हिंदू संगठन ने मूर्ति फिर से स्थापित करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर दिया गया धरना। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप, ओबीसी को आरक्षण नहीं, एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिलने का आरोप। विंध्यवासिनी मंदिर में तीर्थ पुरोहित से हुई बर्बरता को लेकर वृंदावन में तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों की बर्खास्ती की मांग की। नोएडा में डेफ सोसाइटी के बाहर लोगों का हंगामा। दिल्ली से पहुंचे लोग सोसाइटी का गेट खोलने पर अड़े। धर्मांतरण मामले का पर्दाफाश करने की मांग। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। कानपुर नगर निगम सदन में हंगामे के मामले में पार्षद और अधिकारी आए आमने सामने। जल निगम के अधीक्षण अभियंता ने डीएम को लिखा खत। जल निगम एमडी से अमर्यादित व्यवहार को लेकर लिखा पत्र। पत्र की कॉपी पुलिस और शासन को भी भेजी। कानपुर नगर निगम के सदन में शूटरगंज। पार्षद ने मुंह पर टेप लगाकर किया विरोध। विकास कार्यों पर नाराज पार्षद ने चुप रहकर सदन में जताई नाराजगी। सदन में जल निगम, पीडब्ल्यूडी और केडीए के अधिकारी हुए शामिल। कर्णप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास पहाड़ से मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पहाड़ी से मलबा आने पर रास्ता बंद, गाड़ियों की आवाजाही बाधित, लगा जाम। सीजन की पहली ही बारिश से रामनगर के चुकुम गांव के लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है, ऐसे में ये लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में फायरिंग और पथराव। पत्थरबाजी में 7 लोग घायल। शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती। फायरिंग का वीडियो आया सामने। नसीरपुर थाना क्षेत्र के छेछापुर गाँव का मामला। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर सीओ ऑफिस के सामने बदमाशों ने बस पर बोला हमला। ढाबे पर रुकी बस में हथियारबंद बदमाशों ने की तोड़फोड़। पंजाब से हरदोई जा रही थी यात्रियों से भरी प्राइवेट बस। आगरा के एतमाउद्दुल्ला में तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग। तेंदुए के हमले में एक किशोर समेत कई लोग घायल। बस्ती में घुसे तेंदुए का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरसात के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जून महीने में बर्फबारी की तस्वीर सामने आई। 3 से 4 फीट तक बिछी है बर्फ की मोटी चादर। राम मंदिर परिसर में स्थापित बैचिंग प्लांट 3 का हुआ शुभारंभ। परिसर में पहले से ही 2 बैचिंग कंक्रीट प्लांट है मौजूद। महंत कमल नयन दास ने प्लांट का किया शुभारंभ। अब राम मंदिर निर्माण के कार्य में आएगी तेजी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर गए सीएम योगी। नव दंपत्ति को मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की हुई है शादी। ग्रेटर नोएडा के शाबेरी में एक बार फिर प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की। इस बार प्राधिकरण ने इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया, जिन्हें 17 जुलाई 2018 की घटना के बाद जांच में अवैध घोषित कर सील किया गया था। ।2022 के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पूर्व विधायकों के साथ की बैठक। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद रहे। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का अनूठा विरोध प्रदर्शन। घोड़े तांगे पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ता। महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अनाज खरीदारी को लेकर सपा और बसपा के आरोपों पर किया पलटवार। कहा योगी सरकार ने पिछले चार साल में 218 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी की, जो एक रिकॉर्ड है। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का परिणाम तैयार करने में स्कूलों की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। स्कूल छात्रों के मार्क्स अपलोड करेंगे, जिनका इस्तेमाल 12 के नतीजे तैयार करने के लिए पोर्टल में डेटा के साथ किया जाएगा। केरल में कोरोना से अब तक 74 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी उठाते हुए राज्य सरकार ने इन्हें हर महीने 2000 रुपए की जमा राशि देने की घोषणा की है। बच्चों को 18 साल की उम्र तक मदद दी जाएगी। हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स ने अपने इतिहास में पहली बार 53,000 का आंकड़ा पार किया। 311 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स ने 483 अंकों की छलांग के साथ 53,057 का अंक छुआ। हालांकि बाजार बंद होने तक 14 अंकों की बढ़त के साथ 52,588 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 26 पॉइंट्स के उछाल के साथ 15,772 पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 22 रुपए की मामूली फिसलन के साथ 47,139 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। पिछले कारोबारी सत्र में 47,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था सोना। वहीं 374 रुपए फिसल कर 67,548 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। आसमान छूने लगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल का भाव 27 से 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। वहीं डीजल के रेट में 26 से 28 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल बढ़कर 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा और डीजल 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हुआ। चार मई से अब तक तेल की कीमतें तेज रफ्तार से बढ़ी हैं। इन 29 दिनों में पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। वहीं इन दिनों में डीजल 7 रुपए 45 पैसे महंगा हुआ। बिग बॉस 14 खत्म होने के बाद अब इसके 15वें सीजन की तैयारी जोरों पर है और आने वाले कुछ दिनों में इसे लेकर काफी कुछ रिवील भी किया जा सकता है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे दोनों एक साथ बिग बॉस 15 में नजर आ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया है। अर्जुन कपूर संग लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मलाइका अरोड़ा अपनी फैशन सेंस को लेकर भी काफी पॉपुलर हैं। हाल ही में मलाइका को व्हाइट कलर के ट्यूब टॉप में स्पॉट किया गया। क्रॉप टॉप में मलाइका गजब की लग रही थी। इसके अलावा डिनर डेट पर मलाइका को रेड शॉर्ट्स और जैकेट में स्पॉट किया गया। मलाइका मौसम के मुताबिक अपना फैशन सेंस बदलती हैं। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे ने प्रेगनेंसी की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं है। पति सैम बॉम्बे संग पहला बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। पूनम पांडे ने कहा, मेरी पर्सनल लाइफ खुली किताब की तरह है। जिस दिन प्रेग्नेंट होंगी, माँ बनने की खुशी में मिठाई बांटूंगी। खबरें आ रही थी कि पूनम पांडे 6 वीक प्रेग्नेंट हैं। एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया है कि बेटे आरव के जन्म के बाद उन्होंने थोड़ा वजन घटाया है। कैप्शन में लिखा, आखिरकार थोड़ा बहुत सेक्सी महसूस कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि थोड़ा वजन घटाया है, बल्कि इसलिए कि ये एक शुरुआत है। हसीन जहां की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें एक तरफ वो मॉडलिंग में दोबारा से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं, तो दूसरी ओर इसके लिए वो जिम में पसीने भी बहा रही हैं। अपार शक्ति खुराना और आकृति आहूजा के घर पर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहे इस कपल की खुशी का ठिकाना नहीं है। अपार शक्ति ने अपनी वाइफ आकृति की मैटरनिटी शूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।